आज का पहला सेंटेंस है जय उठ। जय एक आदमी का नाम है, उसको जगने के लिए कहा जा रहा है। जय वेक अप, तो जय रिप्लाई करता है लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। वह लड़की यहाँ आ रही है, दैट गर्ल्स कमिंग हेयर, दैट गर्ल्स कमिंग हेयर। कौन सी लड़की, विच गर्ल, कौन सी लड़की, WHICH, विच गर्ल। अंजलि, अंजलि मतलब लड़की जो है वो अंजलि है। मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी, डू नॉट टेल मी, डोंट टेल मी। हाँ यस, वह यहाँ कैसे आई, हाउ डिड शी गेट हेयर, हाउ डिड शी गेट हेयर। मुझे कैसे पता, हाउ वुड आई नो। यह पूरा सेंटेंस ऐसे भी बता सकते कि मुझे कैसे पता कि वो यहाँ कैसे आई। हाउ वुड आई नो शी इज़ हेयर, कि वह यहाँ पर है, शी इज़ हेयर। हाउ वुड आई नो शी इज़ हेयर। तुम बेड पर हो, यू आर ऑन द बेड, और तुम्हारा पायजामा ज़मीन पर है, एंड योर पायजामा आर ऑन द फ्लोर। फ्लोर मतलब फर्श पर है, ज़मीन पर है, एंड योर पायजामा आर ऑन द फ्लोर, एंड यू आर ऑन द बेड। लड़की मतलब द गर्ल, ये लड़की, उसे दूर रखो, कीप हर आउट, वो देख ना पाए इसलिए कहा जा रहा है कीप हर आउट, उसे दूर रखो, हरी अप, जल्दी करो, वियर इट, इसे पहनो। मैं जय से बात करना चाहती हूँ, लड़के का नाम जय है। आई वॉन्ट टू टॉक टू जय, आई वॉन्ट टू टॉक टू जय। ऐसे कैसे मतलब किसी के आने के बारे में कहा जा रहा है, ऐसे कैसे आई, हाउ कम, हाउ कम। जय, मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ, अकेले को इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेसी। जय, आई नीड टू टॉक इन प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब एकांत में, कोई और ना सुन ले, आई नीड टू टॉक इन प्राइवेसी। नहीं, नो, जो कहना चाहती हो इसके सामने ही कहो, से वॉट यू हैव टू इन हिज प्रेजेंस। नो वे, से वॉट यू हैव टू इन हिज प्रेजेंस मतलब इसी की उपस्थिति में कहो, से वॉट यू हैव टू इन हिज प्रेजेंस। हमारा आपसी मामला है, दिस इज़ बिटवीन यू एंड मी, दिस इज़ बिटवीन यू एंड मी। बेहतर होगा अकेले में बात करें, रेदर वी टॉक इन प्राइवेसी। दिस इज़ बिटवीन यू एंड मी, रेदर वी टॉक इन प्राइवेसी, रेदर मतलब बेहतर होगा। क्या मैं अंदर आकर बात कर सकती हूँ, कैन आई कम इन एंड टॉक, कैन आई कम इन एंड टॉक। उसका आंसर मिलता है कोई ज़रूरत नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ हो वहीं से बोलो, स्पीक फ्रॉम वेयर यू आर, स्पीक फ्रॉम वेयर यू आर। लेकिन मैं यहाँ सहज नहीं हूँ, सहज मतलब आरामदायक महसूस नहीं कर रही हूँ। बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल हेयर, बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल हेयर। ए लड़की क्या कर रही हो, ए वॉट आर यू डूइंग गर्ल, वॉट आर यू डूइंग गर्ल। वॉच इट, देखो तो, इसको ये भी कह सकते हैं कि जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी लिहाज नहीं है, वॉच इट, देखो तो। वॉट आर यू डूइंग गर्ल, ए लड़की क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। यहाँ सिर्फ आदमी रहते हैं, दिस प्लेस इज़ ओनली फॉर मैन, दिस प्लेस इज ओनली फॉर मैन। जो भी बात करनी है बाहर आकर करो, सो कम आउट एंड से वॉट एवर इट इज, सो कम आउट, बाहर आओ एंड से, और कहो वॉट एवर इज इट, जो भी कहना चाहती हो, सो कम आउट एंड से वॉट एवर इट इज़। मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, आई हैव नॉट कम टू स्टे एनी वे, आई हैव नॉट कम टू स्टे एनी वे। लेकिन जो बात कहने आई हूँ वह कह कर जाऊँगी, आई विल से वॉट आई हैव कम टू से, बट आई विल से, मैं वो कहूँगी, वॉट आई हैव कम टू से, जो मैं कहने आई हूँ, बट आई विल से वॉट आई हैव कम टू से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, बिगाड़ने को बोलते हैं इंग्लिश में हार्म, नुकसान पहुंचाया है, वॉट हार्म हैव आई डन टू यू, वॉट हार्म हैव आई डन टू यू। जो तुम मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हो, दैट यू आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस, बर्ताव करने को बोलते हैं ट्रीट करना, दैट यू आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस, यू आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस। हमारे परिवारों के बीच में जो दुश्मनी है, दुश्मनी को बोलते हैं एनिमिटी, तो देयर इज़ एन एनिमिटी बिटवीन अवर फैमिलीज, देयर इज़ एन एनिमिटी बिटवीन अवर फैमिलीज। तुम्हारे पिताजी की वजह से मेरी शादी टूट गई, माई मैरिज वॉज एनुअल्ड बिकॉज ऑफ योर फादर, माई मैरिज वॉज एनुअल्ड बिकॉज ऑफ योर फादर।
लेकिन अब मेरी पढ़ाई बर्बाद मत करो प्लीज़। बट डोंट र्यून माई स्टडीज़ नाउ। र्यून का अर्थ होता है बर्बाद करना। डोंट र्यून माई स्टडीज़ नाउ प्लीज़। मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे परेशान करना बंद करो। स्टॉप बॉदरिंग मी, बॉदर का अर्थ होता है परेशान करना। स्टॉप बॉदरिंग मी, आई रिक्वेस्ट यू स्टॉप बॉदरिंग मी। दुश्मन ही सही, इवन वी आर एनिमीज, इवन वी आर एनिमीज। लेकिन जब एक लड़की तुम्हारे सामने रोती है, व्हेन अ गर्ल क्राइज बिफोर यू, व्हेन अ गर्ल क्राइज बिफोर यू, मदद के लिए कहती है, एंड आस्क फॉर यू हेल्प, एंड आस्क फॉर यू हेल्प, व्हेन अ गर्ल क्राइज बिफोर यू एंड आस्क फॉर यू हेल्प, और फिर भी तुम उसे सताओगे, एंड इफ़ यू स्टिल बॉदर हर, एंड इफ़ यू स्टिल बॉदर हर, तो यह मर्द के लिए बहुत शर्म की बात है। तो इट्स अ टेरिबली शेमफुल फॉर अ मैन, इट्स अ टेरिबली शेमफुल फॉर अ मैन। और मुझे पूरा विश्वास है, एंड आई रियली बिलीव, एंड आई रियली बिलीव, तुम अपने परिवार में इकलौते आदमी हो। यू आर द ओनली मैन इन योर फैमिली, यू आर द ओनली मैन इन योर फैमिली, जो मुझे निराश नहीं करेगा। हु विल नॉट डिसअपॉइंट मी, डिसअपॉइंट का अर्थ होता है निराश करना। हु विल नॉट डिसअपॉइंट मी, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शी शुड नॉट हैव सेड दैट, शी शुडंट हैव सेड दैट, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो उसके बदले में वह पूछता है कि उसने ऐसा क्या कह दिया। हाउ कुड शी से सच अ थिंग, हाउ कुड शी से सच अ थिंग, हाउ कुड शी से सच अ थिंग।